जय भोले और शिव शंभु के बीच में पहला मैच इस ग्राउंड पे इस टूर्नामेंट का होने जा रहा है और शिव शंभु की बैटिंग पहले और बैट्समैन नेम दे दीजिए इधर आकर। एक प्लेयर आपका 12वां प्लेयर स्टेट पे आ जाइए। छह ओवर का मैच है ये, इसमें दो पावर प्ले और रजा इलेवन के जाने माने कैप्टन बाबा ग्राउंड पे पहुंच चुके हैं। बॉलर नेम नितिन और अरे कौन बनाएगा भाई, मुस्तफा को देना आगे से ऐसा। और स्टार्ट ले रहे हैं अपने टीम की का बोझ संभालते हुए सुनील ओपनर। स्टार्ट कर लीजिए आज मैच। और पहली बॉल व्हाइट के तरफ एम्पायर का इशारा। और ये बढ़ती हुई बॉल चीरती हुई और ये चार रन मिस फील्ड, चार रन। और ये दूसरा शॉट सिक्स रन। डॉट बॉल बॉलर बॉलर नितिन 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 और ये देखते हैं
फील्ड करते हुए, और ये थ्रो दो रन के तरफ, दो रन दो दो। वाइट बॉल, एम्पायर का इशारा वाइट। वो बैग वाले भाई से गुजारिश है, जल्द से जल्द निकले भाई, जल्दी जाए। भाई तुम्हारे लिए मैच रुका है, भागो जल्दी। वाइट बॉल, अंपायर का इशारा वाइट। और ये भागते हुए एक रन। जोखम भरा रन था ये, लेकिन क्रीज पर पहुंच गए। डॉट बॉल, पहले ओवर की समाप्ति पे 15 रन। जय भोले का सेकंड ओवर लेते हुए सुधा, देखते हैं अपने टीम के लिए क्या करते हैं। और फील्डिंग सजाते हुए सुधा, फुल टॉस बॉल। छक्का, नो चांस था प्लेयर को, सीधा सीमा रेखा बाहर गिरा बॉल। आ हा 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 हा, बड़ा खूबसूरत शॉट मारा इन्होंने।
बॉल ही वैसी मिली सर। और तीसरा और गुड थ्रो, एक रन। क्या बात है, मेहरबानी करके गाड़ी बाहर लीजिए भाई। हेलो, साउंड क्यों बंद है? हेलो, और एक रन। लेकिन अपन ने तो अपने टाइम पे किए थे ना, वैसे कर देने का फिर ना क्या होता, सैटरडे संडे कर देने का भाई। संदीप बहुत गाड़ी आ गई है, बाद में एक बंदा मैं हां इसके लिए बोल रहा हूं, पहले अपन ने हम लोग टाइम पे कैसे किए थे रसीदान को कितना लगाने का। और एक रन चुरा लिया है बैट्समैन ने, सुनील को स्ट्राइक दिए नंदू ने। हाँ, ललचाली बॉल डाला है उन्होंने और डॉट बॉल। थर्ड बॉल एकता चषक 2024 का पहला दिन, पहले दिन का मुकाबला हम देख रहे हैं यहाँ पर जय भोले बनाम शिव शंभू इन दोनों ही टीमों के बीच। बल्लेबाजी करते हुए शिव शंभू का स्कोर हुआ है 3 ओवर के पश्चात
46 रन बिना विकेट के नुकसान पर सुनील और नंदू की ये जोड़ी मैदान पर अभी भी मौजूद। काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी दोनों ही बल्लेबाजों के माध्यम से यहाँ पर दिखाई देती हुई। टीम की चौथी और लेकर गेंदबाज आ रहे हैं यहाँ पर गजानन। गजानन ओवर की पहली गेंद लेकर नंदू के लिए, इस मर्तबा उठाकर खेलना चाहते थे, गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। डॉट गेंद के साथ अपने ओवर की शुरुआत करते हुए गेंदबाज गजानन। एकता चषक 2024 अंबरनाथ शहर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सन्मान्य प्रदीप जी पाटिल इनके नेतृत्व में रखी गई है प्रतियोगिता, और इस प्रतियोगिता को सफल बनाने के लिए नईम भाई ने काफ़ी मेहनत ली है। इस बार ब्लॉक होल में डाली गेंद को कारपेट के सहारे खेल दिया है, मिड विकेट की दिशा में खिलाड़ी मौजूद, केवल एक रन। जी बिल्कुल, एकता चषक 2024 को इस प्रतियोगिता को रखने में विशेष सहकार्य अमरनाथ शहर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का अल्पसंख्यक विभाग, उमेश जी पाटिल, प्रदीप जी पाटिल। इस मरतबा फिर से एक बार कदमों के सहारे खेल लिया गया इनको लॉन्ग रन की दिशा में, इस बीच केवल एक रन। सन्मान्य विलास जी जोशी, काफ़ी सारे लोगों का इस प्रतियोगिता को सफल बनाने के लिए यहाँ पर मेहनत ली गई है। सन्मानीय संजय जी मगर। गजानन ओवर की चौथी गेंद लेकर नंदू के लिए, इस बार उठाकर खेल दिया है मिड विकेट के खिलाड़ी के सिर के ऊपर से, गेंद जाती हुई सीमा रेखा के बाहर, 6 रनों। मैं बोलूंगा तभी बजाना। एक और छक्का नंदू ने यहाँ पर जड़ दिया, इस मरतबा फिर से एक बार उसी दिशा में खेल दिया, दो खिलाड़ियों के बीच में से गेंद जाती हुई, और ये देखिए वहाँ पर अच्छी फील्डिंग, काफ़ी उम्दा क्षेत्ररक्षण वहाँ पर खिलाड़ियों के माध्यम से दिखाई देता हुआ। और इस बीच बैकअप में थोड़ी सी चूक, और देखना होगा यहाँ पर अंपायर ने तीसरे रन की कोशिश लेने में यहाँ पर विकेट गंवाया। बल्लेबाज सुनील ने अपना एक पहला झटका लगा यहाँ पर 56 के स्कोर पर टीम शिवशंभू को, 5 ओवरों का ये मुकाबला। जय भोले ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया था, बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था टीम शिवशंभू को। 6 ओवरों का ये मुकाबला है और चौथी ओवर यहाँ पर चल रही है। नंदू ने अच्छी गेंदबाजी की थी इस ओवर में, एक छक्का जरूर आया गजानन के गेंदबाजी में यहाँ पर नंदू के बल्ले से। सुनील ने अपना विकेट गंवाया, सुनील इनके आउट होने के बाद आने वाले नए बल्लेबाज है। दिगंबर आए हैं नए बल्लेबाज यहाँ पर टीम शिवशंभू की ओर से। जी देखिए, सुनील ने बल्लेबाजी करते हुए कुल मिलाकर 56 रनों में से 48 रन जड़े हैं, अपने अर्धशतक से चूक चुके हैं वो 2 रनों से, 38 बनाया, माफ कीजिएगा, उन्होंने 38 रन बनाए उन्होंने। इस बार बल्लेबाज दिगंबर के बल्ले से आता हुआ बेहतरीन स्कोर स्क्वायर लेकर दिगंबर में पुल कर दिया था। इस बीच इस गेंद पर भी आए 2 रन, इसी के साथ यहां से 4 ओवरों का खेल खत्म हो चुका है, और 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हुआ है 58 रन 1 विकेट के नुकसान पर टीम शिवशंभू टीम का। पीछे
गेंदबाज छोर पर अब टीम के लिए पांचवी ओवर लेकर आ रहे गेंदबाज। चलिए फिर से एक बार ड्रिंक अंतराल के बाद यहाँ पर मुकाबले की ओर लौटते हैं। टीम के लिए पांचवी ओवर लेकर गेंदबाज आ रहे हैं। यहाँ पर बॉलर्स नेम संदीप आ रहे हैं अपनी टीम के लिए पांचवी ओवर लेकर, टीम जय भोले की ओर से। जी बिल्कुल संदीप अपने व्यक्तिगत दूसरी ओवर लेकर। इस बार अच्छी गेंद, हाफ ट्रैकर गेंद थी उसे खेल दिया। वाइडिश लॉन्ग ऑन की दिशा में खिलाड़ी मौजूद, हल्की सी मिसफील्डिंग मगर वहां पर पीछे से खिलाड़ी ने काफी अच्छा बैकअप दिया। इस प्रतियोगिता में अंपायरिंग की भूमिका में हमें दिखाई दी तो मेल अंपायर परवेश शेख उर्फ पप्पू और स्क्वायर लेग अंपायरिंग की भूमिका में मेलविन सर वहां पर दिखाई देते और थर्ड अंपायर अभय पाटोड़े सर। इस मरतबा अच्छी गेंद गिरने के बाद हल्का सा उछाल मिला था मगर थोड़ी सी दिशाहीन गेंदबाजी की जा रही है यहाँ पर गेंदबाजों के माध्यम से। अंपायर ने यहाँ पर वाइड का इशारा दिया। इसी अतिरिक्त रन के साथ स्कोर 60 की ओर पहुंचा। अगली गेंद इस मरतबा स्लोर वन गेंद, गति में परिवर्तन किया हल्का सा मगर गैप में खेला स्ट्रोक को मिड विकेट के खिलाड़ी ने अच्छी फील्डिंग की। वहां पर एक ही रन मिलेगा इस गेंद पर भी केवल। अगली गेंद लेकर फिर से एक बार गेंदबाज संदीप नंदू के लिए। इस मरतबा ओवर पिच गेंद थी, तान दिया था गेंद को, मौका बना था मगर खराब फील्डिंग, कैच छोड़ा यहां पर नंदू जैसे आक्रामक बल्लेबाज का वहां पर खिलाड़ी ने। और इसी के साथ ही इस गेंद पर भी आते हुए दो रन, खराब फील्डिंग का नजारा यहाँ पर। पहले ही इतने रन लुटा चुके हैं पहले चार ओवरों में, उसके बाद यहाँ पर जय भोले के खिलाड़ी यहाँ पर खराब फील्डिंग करते हुए। इस बार दबाव उठाकर खेल दिया है गेंद हवा में, एक बार मौका बन सकता है, इस बार कोई चूक नहीं। बल्लेबाज नंदू के पारी कांत होता हुआ 63 रन के स्कोर पर गिरता हुआ दूसरा विकेट टीम शिव शंभो का। चौका एक छक्का भी जड़ा था उनके पारी कांत होता हुआ। हाफ ट्रैकर गेंद थी, पुल करना चाहते थे, एलिवेशन थोड़ा सा कम मिला उसी कारण, ऊंची ज्यादा थी, डिस्टेंस नहीं कवर कर पाया और वहां पर आसान सा कैच। और नंदू इनके आउट होने के बाद आने वाले बल्लेबाज है विशाल संदीप ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार। इस मरतबा हाल के हाथों से गेंद को खेल दिया पॉइंट की दिशा में, वहां पर गेंद थोड़ी सी टर्न हुई, देखना होगा स्वीपर कवर के खिलाड़ी गेंद तक पहुंच पाएंगे या नहीं। खराब फील्डिंग, एक और चौका, विशाल ने आते ही अपने बल्ले से चौका जड़ दिया है गली की दिशा में आता हुआ चौका। इस चौके की मदद से स्कोर तेजी से आगे बढ़ता हुआ 67 रन दो विकेटों के नुकसान पर टीम शिव शंभो। अभी 20 ओवर की आखिरी गेंद शेष, गेंदबाज संदीप ने अब तक इस ओवर में कुल मिलाकर 9 रन खर्च किए हैं। इस बार अच्छी गेंद पुल करना चाहते थे, थोड़ा सा गति में परिवर्तन किया, काफी अनुशासित गेंदबाजी की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम संदीप की। इसके साथ 5 ओवरों का खेल यहां से खत्म होता हुआ, 5 ओवर के समाप्ति के बाद टीम शिव शंभो का स्कोर है 68 रन।
व्यक्तिगत दूसरी ओवर टीम की छठी यानी कि आखिरी ओवर लेकर डेथ ओवर स्लॉग ओवर में गेंदबाजी करने आए हैं गजानन। यह वही गजानन जिन्होंने पिछले चौथी ओवर में काफ़ी अच्छी गेंदबाजी की थी। एकता चषक 2024 का ये दूसरा सीजन, अंबरनाथ शहर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग सलमान नईम शेख इनके माध्यम से रखी गई है प्रतियोगिता, जिसके आधार स्तंभ अंबरनाथ ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सन्मानीय प्रदीप जी पाटिल, अंबरनाथ सीनियर क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष भी है वो, उसी के साथ माझी नगर सेवक अंबरनाथ क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष सन्मानीय उमेश जी पाटिल, माझी नगर सेवक सन्मानीय विलो जी जोशी, सचिन जी मगर और सभी अंबरनाथ शहर कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं के माध्यम से रखी गई है प्रतियोगिता। एकता चषक 2024 का पहला दिन पहले दिन में चलता हुआ ये पहला मुकाबला, फिर से एक बार खराब फील्डिंग, एक और चौका आता हुआ बल्लेबाज विशाल के बल्ले से, माफ कीजिएगा बल्लेबाज दिगंबर के बल्ले से ये चौका आया। इसी चौके की मदद से स्कोर हुआ है, इस पर दबा रिवर शॉट मारने का प्रयास, लाउड अपील, अंपायर को यहाँ पर शक की निगाह से देखा गेंदबाज ने, और अंपायर ने दर्शाया कि गेंद लेग स्टंप के बाहर हिट हो रही थी, उसी के कारण यहाँ पर लेग बाइस के रूप में आती हुई एक रन। इसके बाद जो मुकाबला होगा सेकेंड फर्स्ट राउंड का दूसरा मुकाबला, टीम साई सावकार वर्सेस प्रिंस इलेवन, और एक और शौक आता हुआ विशाल के बल्ले से, हाफ ट्रैकर गेंद पुल कर दिया फाइन लेग के खिलाड़ी के सर के ऊपर से, एक और चौका। फर्स्ट राउंड का दूसरा मुकाबला साई सावकार बनाम प्रिंस इलेवन, दोनों ही टीमों के कप्तानों से निवेदन कि आप मिड इनिंग में हमारे टॉक्स बॉक्स में लाकर जुड़ जाए। गजानन इस बार अच्छी गेंद, गेंद गिरने के बाद हल्की सी उछली थी मगर कीपर द्वारा मिसफील्डिंग हुई वहां पर, और इसी के पश्चात यहाँ पर सर बैट कट था, पप्पू सर बैट कट, ओके जी बिल्कुल 22 के रूप में यहाँ पर एक रन आता हुआ। गजानन अगली गेंद लेकर, इस बार दबा उठा दिया, तान दिया गेंद को, गेंद जा रही है फिर से एक बार सीधा लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। आर इस इनिंग की शुरुआत काफी अच्छी आक्रामक बल्लेबाजी की थी यहाँ पर सुनील और नंदू ने, और इस इनिंग का एंड किया है दिगंबर ने छक्के के साथ। इसके साथ 6 ओवरों के बाद जय भोले ने जिसे बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था, टीम शिव शंभू ने स्कोर बनाया 6 ओवर के पश्चात 85 रन, 85। और जब बल्लेबाजी के लिए आएंगे टीम जय भोले तो उन्हें चेस करने होंगे 86 रन निर्धारित 36 गेंदों में। डीजे टीम साई सावकार और प्रिंस इलेवन, टीम साई सावकार और प्रिंस इलेवन दोनों ही टीमों से निवेदन है कि आप टॉस के लिए जल्द से जल्द कमिटी से जुड़े। टीम साई सावकार और प्रिंस इलेवन,
चिली टीम साई साहूकार, साई साहूकार बनाम प्रिंस इलेवन। प्रिंस इलेवन के कप्तान यहाँ पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं साई साहूकार। टीम साई साहूकार के कप्तान, आपसे निवेदन है कि जल्द से जल्द आप टॉस के लिए यहाँ पर पंडाल की ओर आकर हमसे जुड़े। टीम साई साहूकार, प्रिंस इलेवन के कप्तान यहाँ पर आ चुके हैं। टीम साई साहूकार के कप्तान, आपसे दरख्वास्त की जाती है कि आप जल्द से जल्द टॉस बॉक्स में हमसे आकर जुड़े। एकता चषक 2024, सन्मान्य प्रदीप जी नाना पाटिल, सन्मान्य जगदीप जी नाना पाटिल, उमेश जी पाटिल, विलास जी जोशी, सचिन जी मगर और सभी अंबरनाथ शहर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अल्पसंख्यक विभाग के सभी कार्यकर्ताओं के माध्यम से रखी गई है प्रतियोगिता। चलिए, टीम साई साहूकार के कप्तान भी हमसे आकर जुड़ चुके हैं, तो दूसरे मैच का टॉस यहाँ पर किया जाएगा। जी बिल्कुल, टॉस बॉक्स में यहाँ पर दोनों ही टीमों के बीच टॉस उड़ाया जाएगा। मैं निवेदन करूँगा, जी सन्मानीय उदय जी आहिर, सन्मानीय उदय जी आहिर इनके हाथों से यहाँ पर दूसरे मैच का टॉस उड़ाया जाएगा। टीम साई साहूकार बनाम प्रिंस इलेवन, जो आज के दिन का दूसरा मुकाबला है। श्री कृष्ण स्पोर्ट्स के प्रोप्राइटर उदय जी आहिर, जिनके माध्यम से हमें हर वक्त टी शर्ट उपलब्ध की जाती है। छियासी रनों का लक्ष्य टीम जय भोले के सामने, और इन छियासी रनों का लक्ष्य का पीछा करने के लिए आने वाली आरंभिक जोड़ी यहां पर जी बिल्कुल, यहां पर विजय जी भी हमसे आकर जुड़ चुके हैं। चलिए, यहाँ पर दूसरे मैच का टॉस उड़ा जा रहा है। यहाँ पर उदय जी आहिर बुआ इनके हाथों से, यहाँ पर उदय दादा इनके हाथों से, यहाँ पर प्रिंस इलेवन और साई साहूकार के बीच जो मुकाबला होगा उसका टॉस उड़ाया जाएगा। जी नहीं, इनिंग की शुरुआत होती भी आ रहा वाले आरंभिक बल्लेबाज है यहाँ पर टीम जय भोले की ओर से, कुमार और गजानन। स्ट्राइक पर गजानन, नॉन स्ट्राइक पर कुमार, और ओवर की पहली गेंद लेकर गेंदबाज सुदीप। सुदीप, अच्छी गेंद, गेंद गिरने के बाद पूरी तरह से नीचे रही, सब मरीन डिलीवरी, गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं, बल्लेबाज पूरी तरह से चौंक गए थे कि ये क्या हुआ। अगली गेंद लेकर सुदीप, अच्छी गेंद पुल कर दिया है, वहां पर खिलाड़ी मौजूद, एक रन ही मिलेगा। एक इस एक रन के साथ यहां पर अपनी इनिंग की शुरुआत करते हुए गेंद बल्लेबाज गजानन। सुदीप ओवर की अगली गेंद लेकर, इस बार अच्छी गेंद, बाहरी किनारा लगा था, मौका बना था मां यहां पर नंदू, वो कैच नहीं लपक पाए और इस बीच एक रन। अंपायरिंग की भूमिका में यहाँ पर पप्पू सर, मेलविन सर, साथ ही थर्ड अंपायर अभय सर, और इस प्रतियोगिता को यूट्यूब के माध्यम से, एमटीसी लाइव के माध्यम से इस प्रतियोगिता को पूरी कवर की जा रहा है। तेजस जी इनके माध्यम से यह प्रतियोगिता को कवर किया जा रहा है। इस बार खराब गेंदबाजी, और माफ कीजिएगा, क्लीन बोल्ड लेग स्टंप को यहाँ पर उड़ा दिया है, और पहला झटका लगा गजानन के रूप में टीम जय भोले को। साई साहूकार, टीम साई साहूकार टॉस के लिए नीचे होना। नए बल्लेबाज गजानन इनके आउट होने बाद आए हैं नितिन।
सुदीप ओवर की अगली गेंद लेकर इस मरतबा अच्छी गेंद, क्या बेहतरीन शॉट खेल दिया है यहाँ पर, तीर की तरह सीधा गेंद वन बाउंस सीमा रेखा बार। एक और चौके के साथ यहाँ पर शुरुआत करते हुए बल्लेबाज नितिन आते ही अपने बल्ले से अपने जौहर दिखाते हुए। हर इस बीच इस प्रतियोगी दूसरे मुकाबले में टॉस जीत का है साई साहूकार ने, जल्दी वो अपना फैसला सुनाएंगे। जी बिल्कुल, इस प्रतियोगिता में अगर कोई भी दुर्घटना घटती है, कोई भी खिलाड़ी अगर इंजर्ड होता है तो अंबरनाथ मस्जिद ट्रस्ट मुस्लिम जमात अंबरनाथ के माध्यम से यहाँ पर एम्बुलेंस की सुविधा भी उपलब्ध की गई है। इस पर दबा रिवर्स शॉट मारना चाहते थे, गेंद हवा में, मौका बन सकता है, गेंद के नीचे खिलाड़ी आए मगर कैच ना लपक पाए। अच्छा प्रयास था मगर कैच छूटा यहाँ पर, इस गेंद पर मिले दो रन। पहले गेंद पर हाफ ट्रैकर गेंद थी, बेहतरीन चौका जड़ा था, उसके बाद फुल टॉस गेंद पर रिवर्स शॉट खेलना चाहते थे, मिस टाइम स्ट्रोक था, काफ़ी समय तक हवा में था मगर वहाँ पर कैच छूटा। इसी के साथ पहले ओवर का खेल खत्म होता हुआ। पहले ओवर की समाप्ति का टीम जय भोले का स्कोर है जो 86 रन का लक्ष्य का पीछा कर रही है 8 रन 1 विकेट के नुकसान पर। डीजे दूसरी ओर लेकर टीम शिव शंभो की ओर से विशाल आए हैं, स्ट्राइक पर कुमार। वो कभी भी ले सकते हैं ना, 1 से 6 के बीच, 2 से 6 के बीच, पहला तो कंपलसरी है। ऑफ ट्रैकर गेंद यहां पर खेल दिया है मिड विकेट की दिशा में, 1 रन। जी बिल्कुल, ओम साई एमटीसी लैब के माध्यम से एक का चषक 2024 को यहाँ पर कवर किया जा रहा है। इस बीच रोशन फराड इनके माध्यम से इस प्रतियोगिता को, इस जो कि स्कोरिंग है, ऑपरेटिंग है, जितना भी टेलीकास्ट है उनके माध्यम से किया जा रहा है, साथ ही कैमरामैन ओमकार और नीरज। इस बार फुल टॉस गेंद थी, बेहतरीन शॉट आता हुआ नितिन के बल्ले से, एक और छक्का जड़ दिया। के सर के ऊपर से 6 रनों के लिए। अगली गेंद, इस बार फिर से एक बार फुल टॉस गेंद खेल दिया उसी दिशा में, इस बार भी गेंद वन बाउंस सीमा रेखा के बाहर, 4 रनों के लिए जाती हुई यहाँ पर। क्या बल्लेबाजी चल रही है नितिन के बल्ले से, कुल मिलाकर अब तक 4 गेंदों का सामना किया और 4 गेंदों में 18 रन जड़ चुके हैं यहाँ पर बल्लेबाज नितिन। क्या बल्लेबाजी हो रही है यहाँ पर, विशाल द्वारा लगातार यॉर्क डालने का प्रयास है मगर पूरी तरह से वो नियंत्रित गेंदबाजी नहीं कर पा रहे, हल्की सी फुलटॉस आगे गेंद गिर रही है उसी के कारण यहाँ पर अच्छी बल्लेबाजी नितिन के माध्यम से। विशाल फिर से एक बार तैयार, राइट हैंड ओवर द विकेट, अंपायर की बाई छोर से। इस बार फिर से एक बार खेल दिया है स्क्वायर लेग के खिलाड़ी को सीमा रेखा बार, कौन छक्का, क्या बल्लेबाजी चल रही है यहां पर, पैरों पे गेंद को डाला था मगर जिस तरह से यहां पर स्ट्रोक खेला है नितिन ने, काबिले तारीफ बल्लेबाजी नितिन के माध्यम से। 5 गेंदों में 24 रन जड़ चुके हैं जिसमें 2 छक्के 2 चौके, क्या बल्लेबाजी चल रही है यहाँ पर नितिन के माध्यम से, छक्के की मदद से स्कोर तेजी से आगे बढ़ता हुआ 25 रन। जी बिल्कुल, 86 रन का लक्ष्य का पीछा करना होगा तो इसी तरह की बल्लेबाजी करनी होगी, ताबड़तोब बल्लेबाजी करनी होगी, जिस तरह की बल्लेबाजी सुनील ने की थी, नंदू ने की थी, दिगंबर ने की थी और उसी के नक्शे कदम पर चलते हुए बल्लेबाज नितिन। विशाल काफी महंगे साबित होते हैं, विशाल ने अब तक इस ओवर में कुल मिलाकर
17 रन खर्च कर चुके हैं 4 गेंदों में। विशाल एक अनुभवी गेंदबाज है जिस पर पूरी तरह से शिव शंभू टीम निर्भर रहती है, वही विशाल पर यहां पर हमला करते हुए। इस बार अच्छी गेंद, हाफ ट्रैकर गेंद थी, गेंद तेजी से सीधा कीपर के दस्तानों में जाकर समाई, काफी अच्छी गेंद, अच्छा कमबैक। इस मरतबा राउंड द विकेट आकर गेंदबाजी की विशाल ने, लेंथ को थोड़ा सा दूर खींचा था, उसी के कारण बल्लेबाज पूरी तरह से गेंद को कनेक्ट नहीं कर पाए। इस बार फिर से एक बार तान दिया है, गेंद हवा में, मौका बन सकता है और ये बड़ी सफलता। मड़ी मछली जाल में आती हुई, वही नितिन जिन्होंने अपने बल्ले से यहाँ पर जलवा बिखेरा था, वही नितिन यहाँ पर अपना विकेट गंवाते हुए, जिन्होंने 7 गेंदों में कुल मिलाकर 22 रन जड़े, वह नितिन विशाल के आखिरी गेंद पर अपना विकेट खोते हुए। इसके साथ यहाँ से 2 ओवरों का खेल खत्म होता हुआ, 2 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर हुआ है 25 रन। जी बिल्कुल, सन्मान्य नगर सेवक पंकज जी पाटिल, उनके पिताजी यहाँ पर सन्मान्य सुभाष जी पाटिल, इनका यहाँ पर आगमन हुआ है। उनसे निवेदन किया जाता है कि आप मंच पर आकर मंच की शोभा बढ़ाए। पहली गेंद यहाँ पर डॉट आई सुदीप, जो कि अपने व्यक्ति का दूसरी टी और टीम की तीसरी ओवर लेकर आते हुए। इस बार अच्छी गेंद, गेंद गिरने के बाद काफी तेजी से अंदर आई, एक और डॉट गेंद यहाँ पर, लगातार 2 गेंदे डॉट। कुमार जैसे आक्रामक बल्लेबाज को यहाँ पर खामोश रखा गया है यहाँ पर गेंदबाज सुदीप द्वारा। सुदीप ने पावर प्ले की पहली ओवर पे केवल 8 रन खर्च किए थे, काफी अच्छी, हालांकि दूसरी पावर प्ले की ओर यहाँ पर ले ली गई है टीम जय भोले के द्वारा। अगली गेंद, इस बार कट करना चाहते थे, फिर से एक बार अच्छी गेंदबाजी, लगातार 3, ओ देखिए माफ कीजिएगा अंपायर ने यहाँ पर वाइड करार दिया। टीम साई सावकार और प्रिंस इलेवन के कैप्टन नईम भाई से आकर संपर्क करें, टीम साई सावकार और प्रिंस इलेवन। इस बार ब्लॉक होल में डाली गेंद को खोद कर खेल दिया है, क्या बेहतरीन शॉट, हेलीकॉप्टर उड़ा दिया है यहाँ पर बल्लेबाज कुमार ने। जरूर पहले 2 गेंदों में उन्हें खामोश रखा था, मगर इस मरतबा काफी बेहतरीन शॉट आता हुआ कुमार के बल्ले से, एक और छक्का। आकर खेलना चाहते थे, मिस टाइम स्ट्रोक, गेंद हवा में, फॉलो थ्रू में अच्छी कैच, सुदीप ने कोई चूक नहीं की, बड़ी सफलता। एक और बल्लेबाज यहां पर आउट होता हुआ टीम जय भोले का, कुमार के रूप में गिरती हुई टीम जय भोले की तीसरी विकेट डीजे।
सुधा है गेंदबाजी के लिए, आप बल्लेबाजी के लिए आपके सुधा आए हैं कुमार इनके आउट होने के बाद। इस बार ब्लॉक होल में डाली गेंद, क्लीन बोल्ड, एक और बल्लेबाज को यहां पर जाना होगा। क्या गेंदबाजी की है सुदीप ने दूसरे पावर प्ले के ओवर में, दो बड़े बल्लेबाजों को आउट करने में कामयाब। सुधा आए थे बल्लेबाजी के लिए मगर सीधा जड़ में डाली हुई गेंद, फर्नीचर डिस्ट्रॉय किया सुधा का, एक और बड़ी विकेट। तीन ओवरों का खेल खत्म होता हुआ, तीन ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर हुआ है टीम जय भोले का 32 रन 4 विकेटों के नुकसान पर, और यहां से जीतने के लिए इस मुकाबले में 18 गेंदों में 54 रनों की जरूरत है, 18 गेंदे 54 रन बनाने होंगे। अब आने वाले हैं बल्लेबाज मोहन, सुनील गेंदबाजी के लिए यहाँ पर टीम के लिए चौथी ओवर लेकर आते हुए, स्ट्राइक पर कृष्णा और मोहन की जोड़ी। आप ट्रैक कर गेंद पुल कर दिया है मिड विकेट की दिशा में, एक रन। और यहाँ पर खराब थ्रो, कीपर के फास्ट फेंकी थी मगर कीपर गैदर नहीं कर पाए, उसी कारण अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट के मद्देनजर रखते हुए इस गेंद पर आए दो रन। फिर से एक बार हाफ ट्रैकर गेंद, क्या बढ़िया शॉट, पुल कर दिया है, कुल लगभग 100 मीटर का छक्का रहेगा ये, क्या बल्लेबाजी की है यहाँ पर कृष्णा ने, काफी शॉर्ट पिच गेंदबाजी यहाँ पर, बेहतरीन पुल शॉट आता हुआ कृष्णा के बल्ले से। जी दोनों ही टीमों से निवेदन करना चाहूंगा और सभी टीमों ये बात सुन ले कि अगर जूनियर बॉल यहाँ पर अवेलेबल नहीं होगा तो आपको नई गेंद से ही खेलना होगा। क्योंकि इस प्रतियोगिता का पहला मुकाबला है, उसी के कारण जूनी गेंद अवेलेबल नहीं है, तो अगर जूनी गेंद यहाँ पर अवेलेबल नहीं होगी तो आपको नई गेंद से ही खेलना होगा। टीम साई सावकार के कप्तान, आपसे निवेदन है कि आप जल्द से जल्द नईम भाई से आकर संपर्क करें और अपना फैसला भी बताएं। टीम साई सावकार ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया है और टीम प्रिंस 11 को यहाँ पर आमंत्रित किया है बल्लेबाजी के लिए। कृष्णा ने काफ़ी बेहतरीन छक्का जड़ा, काफ़ी हाफ ट्रैकर गेंद थी, शॉर्ट पिच गेंद थी, उसे पुल कर दिया स्क्वेयर लेग की दिशा में, छक्का जड़कर यहाँ पर अपने पाली की शुरुआत करते हुए। इस बार हाफ वॉली गेंद, फिर से एक बार उठाकर खेल दिया, गेंद हवा में, मौका बन सकता है, खिलाड़ी के द्वारा चूक, आसान कैच छोड़ा और इस गेंद पर भी आए दो रन। खराब फील्डिंग का नजारा आप तक यहाँ पर दिखाई देता हुआ, देखिए काफी खराब जिस तरह की फील्डिंग यहाँ पर हो रही है, मानो नहीं
रोशन भाई 11 बजे तक आ रहा है वो कॉल। 6 रन ही है पप्पू भाई, 6 रन ही है। जी बिल्कुल, इस गेंद पर केवल 6 ही रन रहेंगे क्योंकि दूसरी रन जब वो थ्रो था उस वक्त आई थी, उसी वक्त ये गेंद छूटी गई थी खिलाड़ियों के माध्यम से और गेंद सीधा 4 रनों के लिए आई, उसी के कारण इस गेंद पर केवल 6 रन रहेंगे। खिलाड़ी से निवेदन है, इस गेंद पर आए 6 रन, खराब फील्डिंग का नजारा है अपर शिव शंभो के सभी खिलाड़ियों के माध्यम से। अरे 6 रन के मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ, जहाँ जीतने के लिए 18 गेंदों में 54 रनों की जरूरत थी, अब तक 3 गेंदों में 14 रन खर्च कर चुके हैं। इस बार हाफ ट्रैकर गेंद फिर से एक बार खेल दिया है वाइलिश लॉन्ग बॉल की दिशा में, गेंद जाती वन बाउंस सीमा रेखा के बाहर, एक और चौका आता हुआ बल्लेबाज कृष्णा के बल्ले से। क्या बल्लेबाजी चल रही है मैदान के बीच, जहां 18 गेंदों में 54 रनों की जरूरत थी, पहली 4 गेंदों में पहली गेंद पर आया दुक्का, उसके बाद एक छक्का आया, तीसरी गेंद पर दुक्का आया था मगर खराब फील्डिंग की और ओवर थ्रो के रूप में 4 रन मिले, उस गेंद पर भी आए 6 रन और इस गेंद पर चौका, यानी कि कुल मिलाकर अब तक इस ओवर में आ चुके हैं 18 रन। अपने ओवर की 5वीं गेंद लेकर सुनील कृष्णा के लिए, इस बार बाहरी किनारा, गेंद कीपर की यहां पर जाती हुई मगर एक रन, अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। काफी समय के बाद गेंदबाज राहत की सांस लेते हुए जिस तरह की बल्लेबाज कृष्णा कर रहे थे, अभी कृष्णा नॉन स्ट्राइक पर है मगर स्ट्राइक पर बल्लेबाज मोहन जो कि एक आक्रामक बल्लेबाज है, 40+ के खिलाड़ी है मोहन, मगर इस बार टीम जयभली की ओर से खेलने के लिए आते हुए आखिरी गेंद लेकर सुनील अपने ओवर की। इस बार काफी बढ़िया स्क्वेयर कट, तान दिया है गेंद को, गेंद जाती हुई डीप पॉइंट सीमा रेखा के बाहर, एक और चौका आता हुआ, काफी महंगा ओवर साबित होता हुआ। क्या ये ओवर इस मैच का टर्निंग पॉइंट ओवर हो सकता है, क्या मोहन और कृष्णा इसी तरह से बल्लेबाजी करते हुए क्या हम इस मुकाबले में जीत दिला सकते हैं टीम जय बोले को। अब यहां से निर्धारित 12 गेंदों में जीत के लिए चाहिए, बारह गेंदे 31 रन, यानी कि 15.50 के औसत से रन गति को रखना होगा, जहां 18 की औसत थी, जहां जब 18 गेंदों में 54 रनों की जरूरत थी। कृष्णा जैसे बल्लेबाज को यहां पर जीवन दान देते हुए, अच्छी गेंद यहां पर, इस बार अच्छी गेंद वहां पर, फिर से एक बार विशाल द्वारा, विशाल ने पहली गेंद डॉट की, उसके बाद एक रन
अच्छे गेंदबाज है विशाल, जो कि पहले ओवर में काफ़ी महंगे साबित होते हुए थे। विशाल ने रन खर्च किए थे पहले ओवर में 17 रन। इस बार हाफ वॉली गेंद थी, जड़ दिया है मिड विकेट खिलाड़ी के सर के ऊपर से, गेंद जाती हुई सीमा रेखा पार 6 रनों के लिए। यहां जिस छक्के की जरूरत थी वो छक्का आता हुआ बल्लेबाज मोहन के बल्ले से। जिस विशाल ने पहले ओवर में भी रन लुटाए थे, वही विशाल इस ओवर में भी उसी तरह की गेंदबाजी करते हुए इस छक्के मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 63 रन। अब समीकरण जीतने के लिए टीम जय भोले को निर्धारित 9 गेंदों में चाहिए। निर्धारित 8 गेंदों में यहां से जीतने के लिए आप रन चाहिए कितनी? 23 रन। निर्धारित 8 गेंदे 23 रन। विशाल इस बार अच्छी गेंद, गेंद गिरने के बाद थोड़ी सी नीचे रही थी, थोड़ा सा लेंथ को अपनी ओर खींचा था, मगर अंपायर का इशारा वाइड बॉल प्लस 1, यानी कि 2 रन आए इस गेंद पर। विशाल गेंदबाज है जो व्यक्तिगत दूसरी और टीम की 5 ओवर लेकर आए हैं। अब यहां से समीकरण 8 गेंदे 21 रन, कुछ भी हो सकता है इस मुकाबले में, क्योंकि कृष्णा और मोहन अपने बल्लेबाजी से जलवे बिखेरते हुए। इस बार फुल टॉस गेंद थी मगर एलिवेशन पूरी तरह से मिला नहीं इस गेंद पर, और केवल 1 ही रन मिलेगा। अब यहाँ से 7 गेंदे 20 रन। फील्डिंग खराब की गई है यहाँ पर टीम शिव शंभो द्वारा, इस तरह की उम्मीदें उनसे लगाई नहीं जाती है जिस तरह की फील्डिंग आज उनके माध्यम से देखने मिली है। एकता चषक 2024 का पहला मुकाबला हम देख रहे हैं जिसमें जय भोले ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला लिया था, बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था टीम शिव शंभो को, और कुल मिलाकर 85 रन लुटाए थे, 86 रनों का लक्ष्य रखा था, मगर उसके पश्चात जिस तरह की शुरुआत की थी बल्लेबाज नितिन ने, उसी के लक्ष्य कदम पर चलते हुए दोनों ही बल्लेबाज। इस बार अच्छी गेंद, फिर से एक बार गेंद गिरने के बाद नीचे रही, और यहाँ पर रनआउट का मौका बना था, कृष्णा को जाना पड़ सकता था अगर डायरेक्ट हिट होती, मगर वैसा कुछ हुआ नहीं। इसी के साथ 5 ओवरों का खेल खत्म होता हुआ, 5 ओवर की समाप्ति पर टीम जय भोले का स्कोर है 66 रन। अब यहाँ से जीतने के लिए निर्धारित 6 गेंदे 20 रन डीजे। अंबरनाथ राइफल एंड पिस्टल शूटिंग क्लब के सम्मानित जगदीश किनिलकर सर अंडर 19 रणजी टीम ट्रायल्स प्लेयर है। सम्मानित जगदीश जी किनिलकर, इनका भी एकता चषक 2024 में हम तहे दिल से स्वागत करते हैं जी। वो राइफल्स और पिस्टल शूटिंग में इतने शौकीन है कि उन्होंने अपने हाथ पर टैटो भी बनवाया है जी। बिल्कुल इसी तरह से वो तरक्की करते रहे और हमारे अंबरनाथ की शान बढ़ाते रहे, यही हम उनसे उम्मीद करते हैं। उनका भी हम एकता चषक में हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। अभय आए हैं यहाँ पर गेंदबाजी के लिए, जहाँ जीतने के लिए 6 गेंदों में 20 रनों की जरूरत है। कप्तान नंदू ने यहाँ पर गेंदबाजी का जिम्मा दिया है अभय के हाथों में। अभय जो कि लेफ्ट आर्म गेंदबाज है, अब यहां से जीतने के लिए 6 गेंदों में 20 रनों की जरूरत। मोहन और कृष्णा जैसे आक्रामक बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद, क्या होगा या क्या नहीं होगा ये तो हमें आने वाली 6 गेंदें ही बताएंगी। क्या यह मुकाबला अपने बल्लेबाजी के दम पर टीम जय भोले जीत पाएंगी, या अच्छी गेंदबाजी कर अपने मुकाबले में जीत दिला पाएंगी गेंदबाज अभय टीम शिव शंभू को। मिस फील्डिंग का यहाँ पर भुगतान भुगतना पड़ रहा है यहाँ पर टीम शिव शंभू को, काफ़ी सारे कैचेज छूटे, एक्स्ट्रा रन्स दिए, दिशाहीन गेंदबाजी की गई विशाल के माध्यम से जिन्होंने काफी रन लुटाए। देखना होगा अभी यहां से 6 गेंदों में 20 रन की जरूरत। गेंदबाज अभय लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट तैयार, अंपायर की बाई छोर से
और इस बार अच्छी गेंद, क्या गेंदबाजी की गई है। गेंद गिरने के बाद हल्की सी बाहर निकली थी, नेचुरल स्विंग, गेंद को कट किया है यहाँ पर गेंदबाज अभय ने। पहली गेंद डॉट के साथ शुरुआत करते हुए, यहाँ पर पहली बिंदी गेंद, बिंदी गेंद के साथ अपने ओवर की शुरुआत करते हुए गेंदबाज अभय। इसी तरह की गेंदबाजी करनी होगी अगर इस मुकाबले को आपको यहां से जीतना है, क्योंकि आक्रामक बल्लेबाज है मोहन और कृष्णा। कृष्णा को जब तक क्रीज से दूर रखा जाएगा उतना ही यहाँ पर टीम शिव शंभु के लिए अच्छा हो सकता है, क्योंकि एक आक्रामक बल्लेबाज कहे जाते हैं कृष्णा। मगर मोहन इस मरतबा स्ट्राइक पर सामना करेंगे अभय की अगली गेंद का। इस बार हाफ ट्रैकर गेंद थी, खेल दिया है गेंद को स्वीपर कवर की दिशा में, मौका बना था मगर वहां पर कैच छूटा या मैच छूटा। गेंद जाती हुई सीमा रेखा के बाद 6 रनों के लिए मोहन के बल्ले से आता हुआ ये आक्रामक छक्का, जिस छक्के की जरूरत थी टीम यहाँ पर जय भोले को, वही शौका छक्का यहाँ पर मोहन ने जड़ दिया है। इस छक्के की मदद से आप समीकरण बदलता हुआ निर्धारित 4 गेंदे 14 रन यहाँ पर, दोनों ही बल्लेबाज पर भी दबाव, गेंदबाज पर भी दबाव। देखना होगा इस दबाव को कौन सा गेंदबाज झेल पाएगा या बल्लेबाज झेल पाएगा, क्योंकि अभय एक अनुभवी गेंदबाज है जिनके पास इस बार पुल कर दिया है हाफ ट्रैकर गेंद को। वहां पर खिलाड़ी जरूर मौजूद थे मगर उसके मस्तक पर दस्तक देकर गेंद गई सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं मोहन, जरूर पहली गेंद डॉट आई थी, उसके बाद लगातार 2 गेंदों पर 2 छक्के, अब यहां से जीतने के लिए 3 गेंदे 8 रन। एकता चषक 2024 का पहला ही मुकाबला रोमांचकारक स्थिति में जाता हुआ, क्यों अंबरनाथ के क्रिकेट को महान क्रिकेट कहा जाता है इसका जीता जागता उदाहरण यहाँ पर इस पहले मैच में हमें दिखाई देता हुआ। अब यहाँ से 3 गेंदे 8 रन, सभी यहाँ पर मान्यवर इस मुकाबले का आनंद लूटते हुए, और YouTube के माध्यम से ओम साई MTC लाइव के माध्यम से जो इस मुकाबले का आनंद लूट रहे हैं उनका भी हम यहाँ पर स्वागत करते हुए 3 गेंदे 8 रन। अगली गेंद लेकर इस बार फुल टॉस गेंद, गेंद को तान दिया है फिर से एक बार मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। क्या बल्लेबाजी की जा रही है मोहन के द्वारा, लगातार 3 गेंदों पर 3 छक्के यहाँ पर जड़े हैं मोहन ने, और पूरी तरह से इस मुकाबले में यहाँ पर जान फूंकते हुए। जी बिल्कुल, कंपलसरी से 6 से इस प्रतियोगिता का नियम, यानी कि आपको 2 गेंदों पर 2 रन बनाने होंगे अगर यहाँ से आपको मुकाबला जीतना है। क्या बेहतरीन बल्लेबाजी, मैंने पहले ही कहा था गेंदबाज अभय एक नए गेंदबाज है, नए नवेले गेंदबाज है जिनके पास अनुभव की कमी है, मगर जो बल्लेबाज मोहन है जो 40+ के लिए भी अपना क्रिकेट खेल रहे हैं, एक अनुभवी बल्लेबाज है, आखिरी वक्त तक उन्होंने अपना संयम रखा, जो प्रेशर था पूरी तरह से अपने कंधों पर लिया, और जिस तरह से 3 गेंदों पर 3 छक्के जड़े मोहन ने उसी के कारण यहाँ पर जय भोले की टीम में खुशी का माहौल आता हुआ। अब यहाँ से 2 गेंदे 2 रन, काफी कड़ा मुकाबला, एक गेंद में छक्का होगा तो आप मार सकते हैं क्योंकि आपके ऊपर प्रेशर नहीं होता, जब 2 गेंदों में 2 रन होते हैं तो बल्लेबाज पर भी प्रेशर आ जाता है। देखना होगा जिस बल्लेबाज ने 3 गेंदों पर 3 छक्के खाए हैं वो बल्लेबाज यहाँ से गेंदबाज कमबैक कर पाएंगे, क्या डॉट गेंदे डाल सकेंगे, क्या मोहन इसी गेंद पर इस मुकाबले को खत्म करेंगे। यहाँ पर अच्छी फील्डिंग लगा दी गई है, क्लोज फील्डिंग सजा दी गई है, कवर पॉइंट कवर, शॉर्ट मिड विकेट पर खिलाड़ी मौजूद। अब भाई अगली गेंद लेकर इस बार हल्के हाथों से कट कर दिया है पॉइंट के खिलाड़ी के सर के ऊपर से, गेंद तैरती हुई जाती हुई सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए, और इसी चौके के मदद से मोहन ने आक्रामक बल्लेबाजी के दम पर पहले मुकाबले में शिव शंभू को हराकर दूसरे राउंड के लिए क्वालिफाई किया है टीम जय भोले ने। डीजे